बनाया, इसके लिए बताइए कि किन किन लोगों को आप क्रेडिट देना पसंद करेंगे? सबसे बड़ा क्रेडिट तो हमारी एक टीम है जी। उस टीम में ऐसे ऐसे मोती हैं जो पीछे रह के काम करते हैं जी। जैसे भगवान राम पीछे शक्ति देते हैं, हनुमान जी ने काम किया, नाम हनुमान जी का काम तो राम जी कर रहे थे ना, तो ऐसे नाम ना मेरा, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो कार्य करती है। डॉक्टर विपिन गुप्ता है, संजय हैं, चिराग भाई है, प्रवीण भाई है, महेंद्र जी हैं, भाई सुरेंद्र जी हैं, मनोज जी हैं, एक एक आदमी है, भाई राजेश जी है, राजीव जी हैं, बहुत एक एक फूल हैं। भाई पंकज जी को ये तो वैसे ऊपर से सारा लगाते हैं, पीछे वाली टीम में नहीं कह सकते, लेकिन एक एक टीम ऐसी मजबूत है जो हमारे साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाती है जी। और इसकी खांसी ठीक न होती, झाड़ू में भी सीख न होती, हर दिन ऐसा बोलोगे ये भी हो कि हमारे वो चेहरे वो भाई बन हो। बड़ौदा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान और सभापति सारे पदाधिकारी भी उनका भी मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रहेगा हमने ठीक है ना जी। एक बार भाई अनिल अग्रवंशी जी ये जोरदार ताली साथ में मदद कोई ताली मदद साथ कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नरेश भाई ने जिस मन से सब तमाम लोग सबका एक प्यार रहता है दोस्तों। आदेश जी हमारे बीच में कुछ ही देर में बात आने वाले हैं। मेरी कार्य उनका विनोद कुमार माथे नंबर मैं 3 साल पहले टेलीफोन करा, मैंने कहा रसिक भाई कहा अपने अमरीका मैं किस लिए बोला कभी सम्मेलन में और सारा मास तक जाहिर पूरी बात नहीं है अमरीका पहुंच गया। मैं 2 महीने बाद फिर फोन करा, अरे मैंने कहा रसिक भाई कहा बोला स्विट्जरलैंड, अरे मैंने कहा कभी अमरीका कभी स्विट्जरलैंड यार मेरे को शक हो गया। मैं घर गया घर की बेटी का बेटा आया, अरे बोला पापा कहाँ है, बोला भीतर मम्मी का साथ पड़ता मान ले रहे। मैंने भैया टेलीफोन करा, मैंने कहा रसिक भाई कहाँ, बोले कनाडा। तू कहाँ, मैंने कहा दरवाजा इसको ना सीरियस लेना और चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए कह रहा हूँ ये जो राम मंदिर बना आज सारे सोच रहे हो पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ थी धारा 370 हटी राम मंदिर बना वो नकाब वाला काम करा मोदी जी ने पता नहीं ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम कर दिए किसकी वजह से कर दिए किसी को नहीं पता, मीडिया है मीडिया को कुछ नहीं पता भाई साहब सारे काम मेरे पास 12:30 बजे 31 तारीख को या फरवरी हो आता 31 को ही है टेलीफोन आता मोदी जी का भी भाई क्या काम है क्या है। मैं मोदी जी आपके चरणों में नमन करता हूँ, मैंने आज तक कभी गलत सलाह नहीं दी, जितने काम करवाए बाबू जी ऐसे मत बस बेटा किसी का मजाक नहीं उड़ाते तुम असल में छोटा मोटा मेरा भाई साहब दूसरे बात बता रहा हूँ। मेरे पास टेलीफोन आया मैंने करवाया सारा काम कब करवाया सुनो एक एक बात को उदाहरण दूंगा संजय भाई सुनो के मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे के खुद ही कैसी बाजुओं पे कर लो भरोसा अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे और थर थर कांपेगा पहले जैसा भेजा टीमों का थर थर कांपेगा पहले जैसा भेजा टीमों का वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़ ये 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। जब मोदी जी ने यह सुना भाई साहब उसी दिन मेरे पास टेलीफोन आया बोले कि भाई निपटा दिया सर्जिकल स्ट्राइक की बता रहा हूँ मैंने करवाई थी
तीस छह के बाद मोदी जी ने करी। बोले और कुछ कहना चाहता, मैंने कहा चार मिनट और सुनो के जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके। भाई साहब सारा पाकिस्तान खड़ा गया। मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुमको करने दो। महाराष्ट्र परेशान हो गया पाकिस्तान का, बोला सर्जिकल स्ट्राइक। 70 सालों में पहली बार ऐसा कोई देश का वीर मिला है जिन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पता करो इतने भातों सैनिक कहाँ के थे? बोले हरियाणा के। बोले हरियाणा में कहाँ के? बोले भ्याणी के। मैं भ्याणी का हूँ। बोले भ्याणी के इतने भातों सैनिक? बोला हाँ। बोले तेरे को कैसे पता? भिवानी के इतने भातों सैनिक? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले मेरे आपका। हमारी तसल्ली हुई है भिवानी का है। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। बोले जोड़ लो। मोदी जी बोले तुम भूल तो मक्कार हो, तुमसे प्यार नहीं जोड़ा जाएगा। बोले जोड़ना पड़ेगा, मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मोदी जी ने बहन जी एक बात करी, आप पढ़ी लिखी लकड़ियों से नहीं कह रहा हूँ, एक ही बात मोदी जी ने कही उनको, शुक्ला जी आपका ध्यान चाहूंगा। मोदी जी ने उनको एक ही बात कही, प्यार जोड़ूंगा दोनों देशों में, एक ही शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या? अगर आपको यकीन हो कि सच्चा और अच्छा करिए बात करें तो ताली बजा देना। मोदी जी ने कही कि अनिल अग्रवाल से पूछ के बताऊंगा। उसके बाद मोदी जी का फोन आया, चार जोड़ लू। मैंने कहा हाँ जोड़ लो, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद रसीद को बुलाता हूँ। सुनो पांच चार पंक्तियां, ये हास्य की बात है। देखो पासे निकालिए, पूरी मस्ती लेना और तालियां देना मेरे को और बताना साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। मैंने कहा मोदी चार पंक्तियां सुना दे। जितने भी अतिथि हैं मैं चाहता हूँ इन तमाम वो वरिष्ठ लोगों के लिए एक बार सारा सदन जोर से तालियां बजाए, मुझे अच्छा लगेगा। सब हमारे अतिथियों के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन करें और आए वो अपने विचार रखें। भाई मनोज होगी थी तालियां कम बज रही है। भाई भाई यह बिल्कुल हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा आप लोगों के साथ भाई मनोज होगी जी। भारत माता की, आज कैसे मेरे को राष्ट्रपति भाषण माना जाता है, लोग मानते होंगे सोचते होंगे क्योंकि आज उन्होंने भाषण बहुत अच्छा दिया, आज उन्होंने ये बहुत बढ़िया किया। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इतना प्यारा भाषण लोग देते थे, 50-60 साल निकल गए देश को, भाषण चलते रहे, ये करेंगे वो करेंगे दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और पता नहीं कितने कितने भाषणों में कितनी बातें कही और मंच चलते रहे, नेता बढ़ते रहे और देश घटता रहा। बहुत समय देखा, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं, बहुत कुछ देखा है। जो आदमी आपको लगे, आज मैं खासतौर पर इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे नरेश भाई अरन जी, इन्होंने भी अनेक अनेक संगठनों में काम किया है, अनेक इनके संगठन ऐसे हैं जो इनके साथ लगकर के, आदमी एक अकेला ना नेता होता है ना अध्यक्ष होता है ना कोई संस्था होती है, एक समूह होता है जिससे जुड़ करके सब बनते हैं। और नरेश भाई के साथ सब अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं और हमें गर्व है कि एक ऐसा साथी जिलाध्यक्ष रहे मनोज चौधरी जी, हमारे वर्तमान के जिलाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी अभी मंच पर नहीं है लेकिन वो अभी किसी काम पर नहीं बैठे हैं क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आना है तो कुछ फोन वगैरह कुछ कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे
मंच पर मोहित जी जो हमारे लाहौल जात वार्ड से निगम पार्षद हैं वो उपस्थित हैं, और सभी सुभाष जी, मोनिका गोयल जी, नीलम जी पूर्व में डिप्टी मेयर रही हैं रोनी से, और त्रिलोक जी हमारे बड़े भाई नरेंद्र बिंदल जी पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, और ज्ञानचंद भविंदा जी, वीरेंद्र राजपाल जी, और सभी लगभग जो यहाँ के इस व्यवसायिक प्रकोष से जुड़े हैं, यहाँ से बाहर के लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़कर मैं सभी के नाम भी ले सकता हूँ। हमारे पार्टी संगठन के दोनों महासचिव यहाँ पर बैठे हैं, जयराम जी और दरबीन माथुर जी, और हमारे जो मेरे साथ जब मैं दो बार जिला अध्यक्ष रहा तो उस समय मेरे साथ दोनों बार महासचिव के रूप में रहे नरेश जब ने रंजीत चौधरी जी, और अभी ये निगम पार्षद हैं, इनकी पत्नी रामपत्नी अपना किराड़ी से निगम पार्षद हैं, तो ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं पार्टी संगठन के, तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम उस पार्टी के जिसके हम कार्यकर्ता हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सर्वोच्च नेता हैं, देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, हम उस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम तो अपना सौभाग्य इसी में मानते हैं और इतना गर्व करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नरेश भाई मुझे कई बार हम मिलते थे कि दूसरे दलों में के कार्यकर्ता थे, तो मैं कहता था नरेश भाई आप ठीक जगह हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी राष्ट्र की देश की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, उस पार्टी के साथ आपको रहना चाहिए, उस पार्टी में आपको काम करना चाहिए। और लेट आए लेकिन नरेश जी ने कहीं ना कहीं कई लोगों ने आप लोगों ने भी समझाया होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में रहें, तो भारतीय जनता पार्टी में आए और इनका अभिनंदन स्वागत। और पूरा हम ये देखते हैं कि हमारा जो संगठन है, हमारी पार्टी है, यहाँ पर भी और यहाँ के अलावा दिल्ली में हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमें संगठन को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो नरेश जी ने आज यहाँ पर व्यवसाय प्रकोष्ठ का जो कार्यक्रम रखा, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी लोग बड़े गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, प्रधान सेवक है, हम भी उस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते एक छोटा सा क्षेत्र है तो हम यहाँ सेवक की भूमिका में हैं। माननीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर हमारे आना हो गया है, मैं चाहूँगा जब तक माननीय अध्यक्ष जी आए सभी बैठ जाए, एक बार मीना भाई का समापन कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह हमारी पूरे जिले की 5 विधानसभाओं की संगठनात्मक बैठक हुई और सारे के सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष जी यहाँ पर अपना 1,000 से ज्यादा कार्यक्रम पार्टी में शामिल होने के बाद जब शामिल हो गए और हमने इनको व्यवसाय प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया, उसके बाद पूरी दिल्ली से मेरे पास फोन आने लगे, बोले आपने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बना दिया, पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए, कोई कोना बाकी नहीं है। तो एक बार नरेश सरन जी के जोरदार तालियां बजाइए आज के इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक और व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश हिरण जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी और यहाँ के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक पूर्व में जिलाध्यक्ष श्री मनोज शौकीन जी, यहाँ के पार्षद और पूर्व जिलाध्यक्ष विनय जी और श्री ज्ञान धमीजा जी जो इंडस्ट्री सेल के सह संयोजक हैं, वीरेंद्र नागपाल जी जो लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकीनाथ गोयल जी बहुत ही समाज सेवी, सुभाष गुप्ता जी, मुकेश हिरण जी, सुरेंद्र खुराना जी, अशोक गुप्ता जी, शंकर सिंगल जी और अभी मोहित जी हमारे निगम पार्षद हैं, बिंदल साहब हैं, दरवेश बंसल जी, प्रदीप भैया जी और यहाँ अभी अनिल अग्रवंशी जी, डॉक्टर नीलम गोयल जी, मोनिका जी,
और बहुत सारे ऐसे अनमोल हीरे यहाँ बैठे हैं जो एक एक नाम में ही जिनके पीछे सैकड़ों और हजारों लोग हैं ऐसी संस्थाओं को। नमस्कार। और अनिल अग्रवासी जी सुनील मित्तल जी आई रहे इधर। ये सुनील मित्तल जी ये अगर बड़े हनुमान है तो वो सुनील मित्तल जी भी छोटे हनुमान। ऐसे सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपका बहुत तहे दिल से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि आपने यहाँ मेरा स्वागत और अभिनंदन किया। मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा ये मैं सोच रहा हूँ। इतना आपने मालाएं मुझे पहना दी हैं, इतना आपने मुझे कहते हैं गोयल साहब कहते थे ना एक एक माला हमें एक एक वादा याद कराती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ और सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। बहुत लंबी चौड़ी भाषण देने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत देखिए आज वैसे बड़ी संख्या में पार्टी के साथ और पहले भी बीजेपी हमेशा ही व्यापारी और व्यवसायियों के साथ उनकी हर परिस्थिति में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो सदैव से हम व्यापारियों के साथ हैं। और आज इतनी जन समर्थन हमें मिला है बड़ी संख्या में आगे बढ़ चढ़कर व्यापारी बीजेपी का हाथ थामा है और हमने उनका हाथ थामा है बनाया। इसके लिए बताइए कि किन किन लोगों को आप क्रेडिट देना पसंद करेंगे? सबसे बड़ा क्रेडिट तो हमारी एक टीम है जी। उस टीम में ऐसे ऐसे मोती हैं जो पीछे रह के काम करते हैं जी जी। जैसे भगवान राम पीछे शक्ति देते हैं, हनुमान जी ने काम किया जी। नाम हनुमान जी का काम तो राम जी कर रहे थे ना, तो ऐसे नाम ना मेरा मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो कार्य करती है। डॉक्टर विपिन गुप्ता है, संजय हैं, चिराग भाई है, प्रवीण भाई है, महेंद्र जी हैं, भाई सुरेंद्र जी हैं, मनोज जी हैं, एक एक आदमी है, भाई राजेश जी हैं, राजीव जी हैं, बहुत एक एक फूल हैं। भाई पंकज जी को ये तो वैसे ऊपर से सारा लगाते हैं, पीछे वाली टीम में नहीं कह सकते, लेकिन एक एक टीम ऐसी मजबूत है जो हमारे साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाती है जी। और सर नाम नहीं लेना हो तो फिर मेरा एक लेगा बता देना, ठीक है ना जी। हमारी मजबूत टीम है, वो टीम काम करती है, भगवान का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज का सच्चे मन से काम करते हैं, उसी हनुमान जी महाराज महाराज अग्रसेन जी की कृपा से हम कार्य करते हैं। कन्हैया नाम हो रहा है, हम कुछ नहीं करते, सारा काम भगवान कर रहा है। हजारों लाखों व्यापारी जो नहीं आए इस प्रोग्राम में आ पाए आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए व्यापारियों को फिर कह दूँ, ये हमारी जननी है। अगर आप पहले बात करोगे तो व्यापारियों की अग्रवाल समाजों की वैश्य समाज की ये पार्टी होती थी, हमें मुख्य धारा में वापसी आना है। मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, अमित शाह जी वैश्य वर्ग से आते हैं, इतना ताकतवर कोई बढ़िया और होगा नहीं जो अमित शाह जी ने काम किए हैं। चाहे धारा 370 तोड़नी हो, जो भी तोड़नी हो, मोस्टली व्यवसायी वैश्य करते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, आप दोबारा आएँ, मुख्य धारा में जुड़े। यदि कल्याण चाहते हो देश का, दिल्ली का, तो आपको पुण्य भारतीय जनता पार्टी की ओर मूव करना पड़ेगा और कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ेगा। चाहे MCD हो, चाहे दिल्ली प्रदेश की सरकार हो, चाहे फिर MP का इलेक्शन हो, जो तीन इंजन की जब लगेगी, जब ये पेरिस बनेगा, झूठे वादों से पेरिस बनने वाला नहीं है। यदि हमें पेरिस बनाना है तो तीन इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी, 3 इंजन MCD भी हमारी हो, हमारे पास दिल्ली प्रदेश सरकार भी, हमारी दिल्ली सरकार भी हो, और हमारे MP हमारी MP जो संसद है वो तो हमारी है ही भारत सरकार, और ऐसे ही ये सरकार चलेगी। जैसे कोई भी कहता है कि 25 साल आदरणीय मोदी जी राज करेंगे तभी इस देश का भला है, तभी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।